तो अगर अभी तक आपने अपने डीमेट अकाउंट में नॉमिनी की डिटेल को ऐड नहीं किया है तो ये आप 31 मार्च से पहले ऐड कर लें, वरना आपका डीमेट अकाउंट फ्रीज कर दिया जाएगा एंड फिर आप ना ही स्टॉक को बाय कर पाएंगे और ना ही स्टॉक को सेल कर पाएंगे। आपके पास अपस्टॉक, ग्रो, ज़ेरोधा, एंजल वन जिस किसी भी ब्रोकर का डीमेट अकाउंट है, आपको सभी में नॉमिनी की डिटेल को ऐड करना होगा। तो इस वीडियो में मैं आपको अपस्टॉक में और ग्रो में नॉमिनी की डिटेल को कैसे ऐड करें इसका तरीका बताने वाला हूं। तो आप वीडियो में एंड तक बने रहिए, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहले हम जान लेते हैं कि ग्रो में नॉमिनी की डिटेल को कैसे ऐड करें। तो सबसे पहले आप ग्रो की ऐप को ओपन करें। ओपन करने के बाद आप इस लोगो पर क्लिक करें, इधर आप इस पर क्लिक करें। क्लिक करते हैं आप कुछ इस तरीके के पेज पर आ जाएंगे। इधर आप पेज को थोड़ा स्क्रॉल करें, इधर आप नॉमिनी डिटेल के सामने ऐड नॉमिनी पर क्लिक करें। उसके बाद इधर आप जिस किसी को भी नॉमिनी बनाना चाहते हैं उसका फुल नेम एंटर करें। इधर से आप रिलेशन टाइप चूज कर लें कि जिसको भी आप नॉमिनी बना रहे हैं उनका आपके साथ क्या रिलेशन है। अगर वह आपके फादर है तो आप इसे चूज करेंगे, अगर वह आपकी मदर है तो आप इसे चूज करेंगे, या फिर इनके अलावा कोई भी रिलेटिव है तो उन्हें आप इधर से चूज कर लेंगे। रिलेशन टाइप चूज करने के बाद इधर आप नॉमिनी की डेट ऑफ बर्थ एंटर करेंगे। इधर नॉमिनी की आईडी प्रूफ को अपलोड करना ऑप्शनल है, तो इसे आप अपलोड कर भी सकते हैं और नहीं भी, तो इसे आप अपने अकॉर्डिंग चूज कर लेंगे। तो चलिए इसे हम छोड़ देते हैं। इतना करने के बाद आप इस बॉक्स को टिक कर नीचे कंफर्म पर क्लिक करें। क्लिक करते ही आपकी नॉमिनी की डिटेल ग्रो ऐप पर सक्सेसफुली ऐड हो जाएगी। चलिए अब जानते हैं कि आप स्टॉक पर नॉमिनी की डिटेल को कैसे ऐड करें। तो इसके लिए सबसे पहले आप स्टॉक की ऐप को ओपन करें। ओपन करने के बाद आप नीचे अकाउंट पर क्लिक करें, इधर आप माई अकाउंट पर क्लिक करें, इधर आप प्रोफाइल पर क्लिक करें, इधर आप माई नॉमिनी पर क्लिक करें, इधर आप ऐड नॉमिनी पर क्लिक करें। उसके बाद आप जिस किसी को भी नॉमिनी बनाना चाहते हैं उनका फर्स्ट नेम आप इधर एंटर करें, इधर आप उनका लास्ट नेम एंटर करें। इधर से आप रिलेशन टाइप चूज कर लें कि नॉमिनी का आपके साथ क्या रिलेशन है। उसके बाद इधर आपको नॉमिनी की डेट ऑफ बर्थ एंटर करनी होगी, तो इधर आप नॉमिनी की डेट ऑफ बर्थ एंटर कर लें। इधर आपको नॉमिनी का पैन कार्ड नंबर एंटर करना होगा, पर यह ऑप्शनल है, तो इसे आप फिल कर भी सकते हैं और नहीं भी। इधर आप नॉमिनी का मोबाइल नंबर एंटर करें, इधर आप नॉमिनी की ईमेल आईडी एंटर करें, इधर आपको नॉमिनी का पूरा एड्रेस एंटर करना होगा एंड नीचे इधर आपको नॉमिनी का पिन कोड एंटर करना होगा। तो ये सभी डिटेल आप अपने अकॉर्डिंग फिल कर लें। डिटेल फिल करने के बाद आप नीचे कंटिन्यू पर क्लिक करें। उसके बाद इधर आपको नॉमिनी का एक डॉक्यूमेंट को अपलोड करना होगा, तो इधर वोटर कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड, इनमें से किसी भी डॉक्यूमेंट को आप इधर अपलोड कर सकते हैं। तो इधर आपको डॉक्यूमेंट की फ्रंट साइड की फोटो अपलोड करनी होगी और इधर आपको डॉक्यूमेंट की बैक साइड की फोटो अपलोड करनी होगी। तो फ्रंट साइड की फोटो को अपलोड करने के लिए आप इस पर क्लिक करें, फिर इधर से आप चूज कर लें कि आप फोटो को क्लिक करना चाहते हैं या फिर गैलरी से चूज करना चाहते हैं। तो अगर आप डॉक्यूमेंट की फोटो क्लिक करना चाहते हैं तो इधर आप कैमरे पर क्लिक करें। उसके बाद इधर से अपने डॉक्यूमेंट की फोटो क्लिक कर लें, करने के बाद राइट करें। ऐसा करते ही नॉमिनी के डॉक्यूमेंट के फ्रंट साइड की फोटो इधर अपलोड हो जाएगी। सेम आप डॉक्यूमेंट के बैक साइड की फोटो भी अपलोड कर लें, करने के बाद नीचे कंटिन्यू पर क्लिक करें। फिर इधर आपको नॉमिनी का फुल नेम से होगा, इधर आपको रिलेशन टाइप से होगा, फिर इधर आपको परसेंटेज एंटर करना होगा कि कितने परसेंट शेयर आप नॉमिनी को देना चाहते हैं। तो इधर आप अपने अकॉर्डिंग 20%, 40% या 50% जितना परसेंट भी शेयर देना चाहते हैं उतना परसेंट आप इधर एंटर करेंगे। तो जैसे चलिए हम 100% को एंटर कर लेते हैं। करने के बाद नीचे ई साइन विथ आधार ओटीपी पर क्लिक करें, फिर इधर आप ई साइन पर क्लिक करें, इधर आप ई साइन नाउ पर क्लिक करें, इधर आप थोड़ा वेट करें, इधर आप प्रोसीड विथ ई साइन पर क्लिक करें, इधर आप ई साइन नाउ पर क्लिक करें। क्लिक करते हैं आप एनएचडीएल के ई साइन पेज पर रिडायरेक्ट हो जाएंगे। फिर इधर आपको आधार नंबर एंटर करना होगा, तो इधर आपको नॉमिनी का आधार कार्ड नंबर एंटर नहीं करना है, जिनके भी नाम पर अपस्टॉक का अकाउंट है उन्हीं के ही आधार नंबर को आपको इधर एंटर करना होगा। तो इधर आप आधार नंबर एंटर करें, इधर इस बॉक्स को टिक करें, करने के बाद नीचे सेंड ओटीपी पर क्लिक करें। फिर आपके आधार कार्ड में जौन सा भी मोबाइल नंबर लिंक होगा उस पर एक ओटीपी सेंड की जाएगी, तो उस ओटीपी को आप इधर एंटर करें, करने के बाद नीचे वेरीफाई ओटीपी पर क्लिक करें। ओटीपी वेरीफाई कराते ही आपका ई साइन सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाएगा और आपके नॉमिनी को ऐड करने की भी रिक्वेस्ट भी सबमिट हो जाएगी। ये नॉमिनी की डिटेल आपके अपस्टॉक अकाउंट पर 48 से 72 घंटों में सक्सेसफुली ऐड हो जाएगी। तो जैसे ही आपकी नॉमिनी की डिटेल सक्सेसफुली ऐड हो जाती है वैसे ही आपको SMS के थ्रू भी बता दिया जाएगा। तो इस तरह आप ग्रो में और अपस्टॉक में नॉमिनी की डिटेल को ऐड कर सकते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को एक लाइक करें, अगर आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लें। आपके मन में अभी भी कुछ डाउट है तो वह आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।